दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x36 हाउस प्लान के। जैसा कि स्क्रीन पर आपने देखा होगा, सीसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं। हमारे एक पेड यूजर है, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये 30x36 फिट में मॉडल बना हुआ है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनको ऐसा रिक्वायरमेंट था कि उनका विला टाइप का हाउस लगे, उन्हें ग्राउंड फ्लोर चाहिए था और बेहतरीन सा लुक चाहिए था। उन्होंने मुझे एक डिज़ाइन भी एज अ रेफरेंस दिया था, तो उसी को मैंने कंसल्ट करते हुए इस मॉडल को डिज़ाइन किया। तो इसी को आज हम प्रॉपर तरीके से आपके सामने एलिब्रेट करेंगे, इसका पूरा 3D मॉडल आपके सामने डिफाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और स्मॉल हाउस प्लान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो आज का जो मॉडल है उसे हम डिफाइन करते हैं और आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी पेड सर्विस इस्तेमाल करिएगा। मैं वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके हाउस को क्रिएट करता हूँ। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें और आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हाउस क्रिएट करते हैं। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इस पूरे मॉडल को, ये पूरा मॉडल बना हुआ है 30x36 फिट में। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है जो कि इसका फ्रंट है वो, और साइड की बात करें तो इनका साइड से भी रोड निकला है, इसलिए इन्होंने साइड से भी एक डोर दिया और साइड में विंडो लगा हुआ है। विंडो भी थोड़ी स्टाइलिश है, बैक साइड भी इनका जगह है तो बैक साइड भी इनको एक डोर की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने दिया है और ये साइड में विंडो भी लगी हुई है। और साइड की अगर बात करें तो इधर आप इनको एक लेटेंट बात की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी तो वो भी मैंने यहाँ पर बनाकर दिया है। तो ये 30x36 का प्लान प्लस इसमें आपको एक लेट बात एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन ओवरऑल जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्टेयर्स हैं। इसके बाद ये जो पिलर हैं ये थोड़े आपको देख रहे होंगे जो महलों में यूज होते हैं उस टाइप के पिलर, उस टाइप की ग्रिल की इनकी रिक्वायरमेंट थी तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। तो देखिएगा मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे और चीज़ें आपको समझ में आ जाए, इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए कि आपका यहाँ पर मैंने क्या बनाया। इसकी ग्रिल का जो डिज़ाइन है, इसमें जो आप पिलर देख रहे होंगे वो भी सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा मैक्सिमम जूम करने पर। तो ये एक ब्लैक कलर का झूमर लगा हुआ है, इसमें आपका पीओपी का ये सारी डिज़ाइन बनी हुई है ओवरऑल। अब हम बात करते हैं इसके, अगर ये 3 साइड ओपन है दोस्तों, चारों तरफ से ओपन, इसलिए चारों तरफ विंडो मैंने दे रखी है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे और उनकी रिक्वायरमेंट भी यही थी। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे जाते हैं तो ओवरऑल तो हम बात कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर, देखिए इसका रूफ वगैरह जो बना हुआ है बहुत ही स्टाइलिश बना है। सबसे पहले आपको 2 पिलर मिलते हैं, इसके बाद ये मेन डोर जहाँ से एंट्री करेंगे, दोनों डोर के बगल में आपको छोटा छोटा विंडो मिलता है वेंटिलेशन के लिए। और ये जो दोनों साइड बेडरूम्स बने हुए हैं उसमें मैंने 3-3 विंडो दिया है। और ये आपका जो बना हुआ है, ये आपका जो पंचभुज जैसे होता है ना, उस टाइप का बना हुआ है ये पूरा डिज़ाइन। रूम भी अंदर से आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब जैसे इस डोर से अंदर जाते हैं तो ये देखिए आप आ जाते हैं सबसे पहले एक लॉन टाइप के, छोटा सा लॉन है। और इसके बाद फिर एक डोर और लगा है जिससे आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आप आंगन में पहुँच जाते हैं। अब इसी आंगन से आपके पूरे घर में एंट्री होती है। पहले हम लेफ्ट हैंड पोर्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग डोर और साइड में दोनों के लिए विंडो। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 3 विंडो जैसा कि आपको बाहर से देख रहे हैं वैसे देखने को मिलते हैं। राइट हैंड की बात करें तो आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है बड़ा सा ये पूरा। इसके बाद इधर आप पीछे पहुँच जाते हैं तो आपका यहाँ पर एक और बेडरूम मिलता है। इधर आपकी स्टेयर से इससे आप ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपका लेट एंड बाथ को आप एक्सेस कर पाएंगे। और ये किचन, इन्हें ओपन किचन चाहिए था, यहाँ पर आप किचन भी बना सकते हैं या बेडरूम बना सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आप चाहते हैं क्या है। और इधर मैंने एक साइड से डोर दिया है जिससे आप पीछे जा सकें, इनका पीछे कुछ जगह वगैरह है तो वो जाना चाहते हैं पीछे, इसलिए मैंने डोर दिया है। और जीने के नीचे से भी एक डोर दिया हुआ है मैंने, क्योंकि इनकी साइड में भी शायद जगह है या रोड है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें, 4 बेडरूम, एक बड़ा सा किचन, लेट एंड बाथ बाहर की साइड, स्टेयर्स और एक आंगन देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो वो तो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा होगा। मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको इसकी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग है वो समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका लास्ट फ्लोर, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले आपको दिखा चुका हूँ, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल बना हुआ है। बस फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो आपको एक बेहतरीन सा देखने को मिलता है, बेहतरीन से ग्रिल लगी है यहाँ पर। और ये आपको पूरा हिस्टोरिकल हाउस लगता है, जैसे पहले आप देखते होंगे महल टाइप का जो डिज़ाइन होता है तो वैसा ही उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसी को मैंने बनाया। तो 30x36 फीट ओवरऑल मॉडल बना हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और स्मॉल हाउस प्लान से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं तो जरूर जुड़ जाएं। और जैसा कि मैंने आपको अनाउंस किया, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो आप हमारी पेड सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका हाउस क्रिएट करता हूँ। साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी हमारा बना हुआ है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेटेड रील्स और वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो एडिट कर योगा।